बरमानरिम मैं हूं डॉक्टर मदर वारिस उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर से होंगे अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जिंदगियों में बरकतें और आसानी फरमाए सबसे पहले तो अल्लाह रब्ज़त का शुक्र अदा करता हूं कि जो 2018 में जो पेशन गोईयाँ की गई थी और 2022 में भी तो वो तकरीब तमाम पेशन गोया अल्लाह के रब्लत की मेहरबानी से फ़ल्ल करम से वो पूरी हुई और तमाम मेरे देखने वाले और चाहने वाले प्यार करने वाले तमाम लोगों को और तमाम मुसलमानों को हो मुबारक और इमरान ख़ान साहब के हवाले से अगर हम देखें तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसके हवाले से उसको मुस्रद कर दिया गया और इसम्बलियाँ भी तहलील कर दी गई तो पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन आ, का क्या रिज़ल्ट होगा आइंदा हालात क्या हो सकते हैं इस हवाले से आ, अलग से वीडियो में डिटेल में बात करेंगे लेकिन अभी हम इस चीज़ को देखेंगे कि इमरान ख़ान साहब का जो दौर अकतदार था वो कोई उसके अंदर बहुत समझें कि डेवलपमेंट या फिर उसके अंदर के आवाम को रिलीफ मिला हो इस तरह की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही थी और उनके लिए भी काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था इतहादी जमातें भी उनके साथ थीं और उसकी वजह से उनकी अपनी मेजॉरिटी नहीं थी जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा और गवर्नेंस के हवाले से भी कोई बहुत अच्छे जो नतज हैं वो भी सामने नहीं आ सके और ये तमाम चीज़ें देखें कि इल्मी नजूम एक ऐसा इलम है जो आपको फ्यूचर के हवाले से आगा कर देता है और जब इन्होंने अभी ओथ भी नहीं लिया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इनको टाइम और डेट बताई थी कि इस टाइम और डेट में आप हलफ लें अगर आप इस डेट और टाइम में हलफ नहीं लेते तो फिर आपके लिए उसके अंदर आप सुने कि मैंने क्या कहा कि ज़्यादा देर वज़ी अजम नहीं रह सकते और आपने जो वादे कौम से किए हैं वो भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आते तो ये आप सुन सकते हैं, आते हैं। तो फिर आपके लिए ज्यादा देर बतौर वजीर आजम रहना मुमकिन नहीं होगा और आप ने जो वादे किए हैं वो भी पूरे होते हुए नजर नहीं आते डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अच्छा अब दूसरे जब इन्होंने ओथ ले लिया तो उस हवाले से फिर भी मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई और उसके अंदर अपने खदशात का जिक्र किया अपनी प्रडिक्शन दी कि एक बतौर वजीर अज़म ये ज़्यादा देर काम नहीं करते नज़र आ रहे दूसरा इतिहादी जमातें इनको छोड़ सकती हैं और लम्हा ब लम्हा इनके मसाइल में इजाफा होता नज़र आ रहा है ये भी ऑन रिकॉर्ड है और ये वीडियो आप देखें ज़्यादा देर वजीर वजीरजम नहीं रह सकेंगे काम नहीं कर सकेंगे उनके लिए लम्ह ब लम्ह मसाइल में इजाफा होगा जो इतिहादी जमातें हैं वो उनको छोड़ सकती हैं जी अब तीसरी वीडियो वो भी मैंने 2018 में ही बनाई थी और उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये बतौर वजीर अजम इनकादार ज़्यादा देर नहीं चल सकता एक समझे के और इनको मसाइल का सामना दरपेश होगा और ये भी आप सुन सकते हैं इन डेटों के अंदर हलफ उठाने से वो बतौर वजी अजम ज़्यादा देर अपना इकतदार नहीं चला सकते जी आपने सुना और 2022 में जो चीज़ मैंने कही थी कि इस साल में अपोजिशन की तरफ से कोई धरना कोई मूवमेंट कोई लॉन्ग मार्च इस तरह की चीज़ आ सकती है जो हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में मुब्तला कर दे वो भी आपने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हुई फिर उसके बाद मैंने ये बात की थी शहबाज शरीफ साहब इस साल बहुत एक्टिव नज़र आते हैं और हकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे तो ये भी आप सुन सकते हैं कल जो पाकिस्तान के जायचे के अंदर चीज़ नज़र आ रही है कि अपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च कोई धरना या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि जो हकूमत को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे शहबाज शरीफ साहब जो है ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस साल के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर या वज़ी अजम का चले जाना इस तरह की कोई भी सिचुएशन नज़र नहीं आती इस अच्छा ये तमाम चीजें जो थी ये आ, 2018 में ही प्रिडिक्ट कर दी गई थी कि एक तो इनके जो साइज़ हालत है बहुत कमज़ोर है और इनकी दौरे इकतदार मख्तसर नज़र आता है कोई बहुत अच्छा नहीं नजर आता मसाइल से भरपूर इतहादियों का छोड़ देना लम्हा ब लम्ह इनके लिए मसाइल का इंक्रीज करना और आवाम को रिलीफ ना मिलना ये तमाम चीज़ें 2018 में ही कर दी गई थी और इस हवाले से जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर की हैं और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे इसको तरक्की दे और आने वाले दिन अच्छे हों तो उस हवाले से हम इन शाह जो टाइम पीरियड आएगा नेक्स्ट uh, वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे कि ओवरऑल अब सिनेरियो क्या बनने जा रहा है क्या चीज़ें होंगी क्या क्या मामला हो सकते हैं इस हवाले से देखेंगे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अपना ख्याल खुदा खुदाफिज